नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित। आज मैं बात करूंगा CTS के बारे में, जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। इसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे कलाई में दर्द और अंगुलियों में दर्द। तो अगर ये तकलीफ आपको रहती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है। CTS में क्या रहता है कि कलाई में हड्डियां और कुछ उसकी कोशिकाएं मिलकर एक पतली टनल बनाती है, संकरी नली बनाती है, जो कि मीडियन नर्व को प्रोटेक्ट करती है। यह मीडियन नर्व थंब से लेके रिंग फिंगर तक उसकी सप्लाई रहती है। और यह तकलीफ कोई गंभीर बीमारी नहीं रहती है, लेकिन डायग्नोस होने के बाद में अगर अपन इसको अनदेखा करते हैं तो यह तकलीफ बढ़ा सकती है। सही समय पर अगर अपन इसका इलाज करते हैं तो इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। जो लोग कंप्यूटर पर ज़्यादा देर सिटिंग करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं या एक हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, जिन लोगों के में पिंचिंग और ग्रिपिंग का काम ज़्यादा रहता है, उन लोगों में CTS की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है। अगर अपन बात करें मेल और फीमेल रेशियो के बारे में तो 1:3 का रहता है। फीमेल में यह तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है। फीमेल में प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और ओबेसिटी में यह तकलीफ ज़्यादा संभावना रहती है कि यह तकलीफ हो सकती है। दूसरे प्रोफेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें यह तकलीफ ज़्यादा रहती है। कारपेंटर का काम अगर कोई कर रहा है तो उसमें यह तकलीफ़ ज़्यादा रहेगी। कोई अगर म्यूजिशियन है तो उसका अगर कंटिन्यूस रिस्ट का मूवमेंट और फिंगर का मूवमेंट होगा तो उसमें मीडियन नर्व कंप्रेशन की संभावना बनी रहती है। कुछ लोग नाव चलाने का काम करते हैं, नाविक होते हैं, उनमें भी यह तकलीफ़ रहती है। कंप्यूटर ऑपरेटर सिटिंग जिनका काम ज़्यादा रह रहा है वो भी इस तकलीफ़ से ग्रसित रह सकते हैं। मैकेनिक जो रहते हैं, जो गार्डनिंग का काम करते हैं, बागवान का काम करते हैं, उनमें भी यह तकलीफ़ देखने को मिलती है। जो लोग गोल्फ़ खेलते हैं उनमें भी यह तकलीफ़ देखने को मिलती है। और CTS जो है दूसरी बीमारियों से भी एसोसिएटेड रहती है। जैसे अगर अपन बात करें आर्थराइटिस की, डायबिटीज़, मेलाइटिस की, तो उसमें भी CTS की संभावना बनी रहती है। और थायरॉयडिज्म में भी यह तकलीफ़ देखने को मिली है। हर दूसरे बीमारी की तरह भी CTS में कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर अपन ये देख पाते हैं कि आपको CTS है या नहीं है। स्टार्टिंग अगर अपन बात करें तो इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से इसमें बर्निंग सेंसेशन शुरू होता है। वह बर्निंग सेंसेशन पेन में तब्दील हो जाता है। फिर वह फिंगर से रिस्ट में, फोरआर्म में और कुछ केसेस में अपने शोल्डर्स में भी देखने को मिला है। तो अगर ये कुछ संभावना बनी रहती है तो आपको उससे सस्पेक्ट होता है कि CTS है, आप डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। यह तकलीफ रात में ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ लोग अगर हैवी ऑब्जेक्ट, भारी सामान उठाएंगे तो उसमें यह तकलीफ़ ज़्यादा रहेगी। तो ये कुछ चीज़ होगी जिनसे अपन पता कर सकते हैं कि CTS है या नहीं है। जैसा अभी मैंने बताया कि बर्निंग सेंसेशन पेन में चेंज हो जाता है, उसके बाद में फिंगर्स में थंब से लेके रिंग फिंगर का मीडियल पार्ट तक जो है इसमें एबनॉर्मल फीलिंग रहेगी, बर्निंग रहेगा, कुछ में नंबनेस रहती है और कुछ केसेस में हाथ की ग्रिप कमज़ोर होने लगती है, सुन्नपन रहता है और फिर नसों में कमज़ोरी आने लगती है। और इस कारण से भी पता कर सकते हैं कि भाई ये CTS का सस्पेक्टेड केस हो सकता है। हर दूसरी बीमारी की तरह इसमें भी डायग्नोसिस होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। किसी डॉक्टर के पास अगर जाता है कोई पेशेंट तो वह सबसे पहले टैपिंग और फेलन टेस्ट करके चेक करता है कि CTS है या नहीं है। टैपिंग जो है वो रिस्ट के ऊपर टैप करके देखते हैं कि उससे पेन एग्रेवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगर अपन बात करें फेलन टेस्ट की तो कुछ एक फेलन टेस्ट होते हैं जिसमें अपन पता कर सकते हैं। रिवर्स प्रेयर नाम से वो होता है, जिसमें पेशेंट को 50 से 60 सेकंड तक एक पोजीशन में रखने को कहा जाता है। उससे अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो फिर वो फेलन टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। फिर दूसरा एक्सरे में अपन रूल आउट कर सकते हैं कि आर्थराइटिस या कोई फ्रैक्चर की वजह से CTS है या नहीं है। थर्ड होता है EMG से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को भी नापा जाता है और मसल्स में कितनी कमजोरी है, वीकनेस है, वो भी पता चलती है। फिर अगर अपन बात करें NCV की तो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट से भी अपन पता कर सकते हैं कि मीडियन नर्व कितनी अफेक्टेड रहती है। तो
तो ये हो गए डायग्नोसिस, जिससे अपन कंफर्म कर सकते हैं कि कोई इंसान CTS से ग्रसित है या नहीं है। फिजियोथेरेपी में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। फिजियोथेरेपी में अपन अगर बात करें तो कोल्ड मॉडलिटीज़ और हीट मॉडलिटीज़ वो पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड, पल्स अल्ट्रासाउंड उसको दे सकते हैं। फिर टेकार मशीन होती है, वो उसके ऊपर यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो नमनेस है, जो पेन है, वो भी कम देखने को मिला है। फिर अगर अपन बात करें कुछ एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, इन तीनों को करने से भी पेशेंट में काफ़ी आराम मिलता है। और नेक्स्ट में अगर अपन बात करें एजुकेशन की, तो पेशेंट को अगर अपन एजुकेट करते हैं प्रॉपर स्प्लिंटिंग की वजह से, स्प्लिंट अगर वो पहन के रखेंगे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में, तो उससे नर्व पे कंप्रेशन कम से कम आएगा और उसको तकलीफ़ नहीं रहेगी। और एक ही पोजीशन में पेशेंट को ये एजुकेट करते हैं कि एक सिटिंग में एक पोजीशन में नहीं रहें, हर 2 घंटे बाद में थोड़ा ब्रेक लें, थोड़ा वॉक करें, अपनी पोजीशन को बदलें ताकि उस पर कंप्रेशन नहीं आए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे अपन उसको क्योर भी कर सकते हैं और उसको आराम भी दे सकते हैं। जोधपुर में हम SSO CS में काम कर रहे हैं और उसमें CTS के काफ़ी केसेस हम देख रहे हैं और उसको भी आराम मिला है। तो अगर किसी को जो मैंने बताया सिम्टम्स अगर रहते हैं, फिंगर्स में, रिस्ट में, फोरआर्म में पेन, नमनेस या उसमें बर्निंग पेन रहता है, या उनको हाथ में वीकनेस रहती है, तो वो एक बार अवश्य मिल सकते हैं, जिससे अगर समय रहते अगर अपन इसको डायग्नोस कर दें तो उसको आगे तकलीफ़ नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे दूसरी कोई डिजीज़ के साथ, बीमारी के साथ, जिसको अपन शेयर करेंगे ताकि जो भी व्यूअर्स हैं वो देखें और उसको आराम मिले।